highlighting and exploring R.D. Barman as a human being, as a musician, and unraveling his genius with the help of quotes from everyone. And he had taken my inputs in the documentary as well. I consider myself blessed because I had the opportunity to be with Panchamda for 10 years. Right from 1983, when he won his first Filmfare Award for Sanam Teri Kasam, and he was not talking, he was not speaking to the media for reasons known to him. I somehow managed to meet him for an interview, and I am, and I'll always be his diehard fan. When I went to interview him, unlike most other people who hanker for publicity, Panchamda told me, तुम तो मेरे फैन हो, तुम क्या मेरे इंटरव्यू लोगे? So he said, तुम हार्डकोर क्रिटिक बन के आ जाओ, तब मैं आपको इंटरव्यू दूंगा. अगेन सेकेंड टाइम आई वेंट, ही सेड, आज भी आप तुम हमारे फैन हो, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू टेक माय इंटरव्यू. अल्टीमेटली द थर्ड टाइम व्हेन आई वेंट टू टेक द इंटरव्यू, ही टोल्ड मी, आज थोड़ा सा फर्क मुझे महसूस हो रहा है, मे बी टुडे आई थिंक यू हैव कम एज अ क्रिटिक. एंड द थर्ड टाइम व्हेन आई वेंट, आई टुक हिज इंटरव्यू, आई टुक हिज परमिशन टू आस्क हिम थोड़ा उल्टा सीधा क्वेश्चंस. ही सेड, नो प्रॉब्लम, गो अहेड एंड आस्क. पंचमदा, like we carry cell phones today, would carry, always carry a pack of 555 cigarettes. So main unko puchta tha, he had an amazing zany sense of humor. Dada, ye 555 kyun? Arre yaar, sab log mujhe pancham bulate hai, to 555 banta hai na. So he would always carry that. If you see in all his pictures, either uske harmonium pe 555 rakha hoga ya haath mein hoga. So I told him, Dada, I am allergic to smoke. When he gave me his interview, I have that picture with me. When he gave me his interview at Film Center at Tardiv, so Panchamda sat, you know, his favorite was sitting with both his legs upon the sofa. He told me, I'll hold a cigarette in my hand because meri aadat hai. He didn't light the cigarette, haath mein cigarette rakke pura interview kiya. And you know, basically he was a rebel. Matlab, उसका वो दम मारो दम का एक लाइन है, दुनिया ने हम सब की परवाह करें क्यों. He dared to defy convention. He was basically a rebel. तो उस, you know, the best part is whenever I used to go for recordings at Film Center, he used to always sit below no smoking and smoke. ये उनकी खासियत थी. You know, वहां पर लिखा गया था, no smoking, lungs at work. तो पंचम मिनिस्टर से, अरे उनको पता नहीं है, जैसे हमारा जीनियस एट वर्क है, तो लंग्स की बात कर रहे हैं वो लोग. यू नो, ही एंड आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हिज, ही वाज एक्सेलेंट एट पंच लाइंस. यू नो, पंचम नाम था उनका, पंच. सो पंच लाइंस के लिए उनका बहुत ये था. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द लास्ट 93 में, अबाउट 15 डेज बिफोर ही पास्ड अवे, ही ड्रॉप मी इन हिज कार. इन दोज डेज आई डिडंट हैव अ कार. सो यू नो, ही इज टू मेरे साथ मजाक करते थे वो. एंड हिज फेवरेट वॉज गिविंग गालीज, यू नो, मतलब ऑल काइंड ऑफ. तो हीज टू से, व्हेन आई केयर फॉर यू, व्हेन यू आर माई पर्सन, आई गिव यू गालीज. तो इफ आई वुड नेवर गो फॉर अ रिकॉर्डिंग और आई वुड नॉट मीट हिम ऑन अ स्पेसिफिक डेज, यू नो, उसका कैसा था, ही वुड गिव मी गालीज. सपोज सम एक्ट्रेस और सम हीरोइन, सम सिंगर इज सिटिंग देयर, ही वुड गिव मी गालीज, वट एवर, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड. बोलता था, बाद में डबिंग करूंगा. ही वुड डू लिप मूवमेंट, मुझे गाली देता था एंड बोले, देन ही वुड से, बाद में डबिंग करूंगा. अच्छा, देन आई आस्क्ड हिम हिज कार नंबर. पंचमदास कार नंबर वॉज BMC 1139. वो जमाने में 80s में BMC वुड मीन बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो आई सेड, दादा ये क्या आपको खास नंबर रजिस्ट्रेशन दिया है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? पागल है क्या तू? अगेन ही गेमी गालीज. इन माय केस इट मींस बेस्ट म्यूजिक कंपोजर. एंड सी द प्रोफेसी केम ट्रू. दिस वाज इन डिसेंबर 1993-94 में, इन ड्यूरिंग द ईयर लव स्टोरी 1942 रिलीज्ड, एंड ही गॉट द बेस्ट म्यूजिक अवार्ड, कंपोजर अवार्ड, यू नो, इन फिल्म फेयर एंड व्हाटएवर. एंड देन देयर वाज अ अवार्ड नेम्ड आफ्टर हिम. सो दादा पंचमदा का ये था कि ही वॉज वेरी, यू नो, मतलब क्या कहते हैं,
he was not concerned about getting publicity, being written about. Yaar, mera music log fans sun rahe. He would always tell me, my fans are my biggest rewards, not awards. Fans are is what matters to me. Then I used to ask him, ki dada, you know, ek sensitive question aapse puchna hai. Ki, you don't have children. What is the future about your music? You know, he told me very casually, I am married to music. I am married to music. Mere jitne bhi chartbuster gaane hain, they are my children. They will carry my legacy forward. And now, Brahmanand Singh is carrying the legacy forward. Acha, before I close, I just want to say one thing. Throughout his career, Panchamda never got a national award. You know, he was in his own language, he would say, hamesha jury mujhe bypass karti hai, because he had undergone a bypass operation. Jury mujhe bypass karti hai. So it is a divine blessing from Panchamda. I remember telling Brahma when he called me to tell me the good news, Chaitanya, I have got two national awards from my documentary. I told him, Brahma, all I can say is Panchamda has blessed you from above. You know, like you are carrying his legacy forward. Jo unke pure career mein unko, he couldn't get the national award. Aaj aapko, you know, double bonanza, do national award mein hai. So I think Brahma has done a fabulous job of carrying the legacy forward. And I wish him all the very best for his web series, Legacy of Pancham. And, you know, in 2039, it will be the centenary year of Panchamda. And Brahmanand's, whatever tributes that he has done, or whatever, till today, you know, Panchamda was very fond of echoes. He would tell me that hamesha aapka kaam resonate hote rehna chahiye. If you see 80% of his songs, tarak, 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 everywhere you have echoes of instrumental ya vocal. So Brahmanand has done the resonating part. You know, whatever work that he has done, it will keep on echoing for everybody. But I am doing what I feel I would love to do. And I think somebody had asked me about the first film, Pancham Unmixed, that so what was it, what prepared you to do that and things like that. And I said that, had you met Panchamda? And I said that, never met Panchamda. And I think, but that curiosity and that compulsion was so high that probably I spent 3 years, 3.5 years to make that film, and it was a very expensive way of buying a ticket for a film that I wanted to see. Yeah, so I think that's what I have to share on this day here. And thank you very much for being here. And I'd like Sonu to say a few things if you want, please. Everyone, I first of all, big hi to all the people, my seniors, my colleagues, everyone. Of course, I am not too clued into how much of effort Brahmanand has made in this, but I've heard so much about your documentaries. I haven't seen them, and people from my fraternity always talk about it. कि मतलब जैसे इंतहाई कोई बहुत ही मन से बनाई हुई कोई चीज है और इस शाहकार को मैंने देखा नहीं अभी तक. I'm really sorry for that. पर इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं पहले, क्योंकि जब कुछ पता ही ना, bless you, पता ही ना हो तो फिर इंसान उसके बारे में ज़्यादा बोलता हो ठीक नहीं देता लगता. पंचमदा के बारे में मैं अभी इतना नहीं कहूँगा, सबने कह दी इतनी अच्छी बातें. आई जस्ट आई एम लकी दैट आई मेट हिम. आई वाज अबाउट टू गेट चांस टू सिंग फॉर हिम, और पर किस्मत की बात होती है, मेरी किस्मत में नहीं था उनके साथ में काम कर पाना, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में चला गया था कुछ 3-4 महीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे ख़त्म हो गए यहाँ पे. एंड देन आई केम बैक, तो संपत जी याद है, मधुर धनी स्टूडियो के संपत जी, मधुर धनी रोड, सो ही कॉल मी अप एंड सर, तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे को पंचमदा ढूंढ रहे थे. फिर मुझे मालूम पड़ा कि 1942 लव स्टोरी के लिए ढूंढ रहे थे, और मैंने वो रिकॉर्डिंग मेरे आंखों के सामने होते हुए देखी है. पंचमदा ने कुमार शानू जी को एक दिन पहले वापस भेज दिया था, क्योंकि वो दाढ़ी बड़ी बनी थी उसकी वजह से. तो हम बड़ी उम्मीद में थे कि शायद आए ना कुमार शानू जी, फिर आ गए मेरे सामने, कहा उन्होंने याद किया. वहीं पर मैंने पहली बार जावेद अख्तर जी को देखा, और मुझे याद है कि मेरे सामने वो गाना सिखा रहे थे,
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कभी डिटेल में बात बताऊंगा. एनीवे दिस इट्स ग्रेट. आई ऑलवेज फील देयर इज अ वेरी नाइस वर्ड इन फिलोसफी कॉल्ड टेलियोलॉजी. टेलियोलॉजी मींस हर चीज का, हर इंसान का अल्टीमेट पर्पस. आपकी टेलियोलॉजी ये थी तो इसलिए दिस वॉज योर टेलियोलॉजी. ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप. Thank you very much, and I think it's so wonderful to hear that term and term appropriated here. Thank you very much. I think anyone who might have a few minutes, if you want one on one, please feel free. पीछे चलो रे, पूरा पीछे चलो, अच्छा फोटो मिले. हाँ सर जी, आप सर और भी सर जी, अभी लास्ट थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. क्या करना है? चलो वेब सीरीज. हाँ मुझे वैसे ही पूछना है. चलो मैं ही पूछता हूँ. हाँ मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ सवाल, मैं पूछता हूँ. रेडी? अच्छा, ब्रह्मानंद जी ने इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं पंचमदा पे और जगजीत सिंह जी पे, आप वेब सीरीज जो कर रहे हैं इसके बारे में मुझे भी बताइए, मुझे भी पता. करेक्ट. सो वेब सीरीज़ का आइडिया ये है कि इतनी सारी चीज़ें पंचमदा के बारे में निकल निकल के सामने आते रहती है. जब हम उनके गानों को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, 10 लोगों से बातें होती है, कि एक प्लेटफॉर्म कुछ मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप जाओ और पंचमदा के बारे में आप बरसों आप बस घुसते रह सकते हो उनके म्यूज़िक के अंदर. तो में आप लोगों से बातचीत करेंगे, मतलब कैसे? मैं लोगों से बातचीत करूँगा और कुछ नए ड्रामेटिक मोमेंट्स भी मैं निकालूँगा. जैसे अब उनके जो डॉक्टर थे लंदन बेस्ड, उस समय में हार्ट का जो किया था, तो उन्होंने उनको जाकर के एक अपने सीडीज दिए. वो कैसेट से सीडी वाला पीरियड था. अच्छा. सो ही केम बैक नेक्स्ट डे, गिव हिम द सीडीज एंड सेट की पंचमदा सॉरी मैं ओल्ड स्कूल अभी भी हूँ, मैं कैसेट से ग्रेजुएट नहीं किया हूँ, अगर कुछ कैसेट्स हो तो दे देना आप. तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अगले दिन ही वेंट टू हिज प्लेस फॉर अ ड्रिंक and he went with a cassette player, with a CD player. CD. Yes. Oh. Those CDs he gave back. So these are moments which give you, you know, an insight into the person, you know, that he was not a person who would go and give him a cassette, you know, your own CDs. So that's, and I think you, I, and 20 other people around, we are just perpetrators of his legacy, you know. What? You're the one who's done the best. Yeah, yeah. Sonu ji, ek na. Hi. मैं लकी भी हूँ कि मैं उनसे मिल पाया था, अनलकी भी हूँ कि मेरे हाथ से आता हुआ काम चला गया. मुझे मौका मिलने वाला था क्योंकि मैं उस समय दिल्ली चला गया था और 3 महीने के लिए मैं रहा वहाँ पे. तो उस समय संपत जी मदर धोनी के रिकॉर्डर्स थे, उन्होंने मेरा गाना सुनाया था. तो उन्होंने कहा अरे पंचमदा को तेरा गाना याद हो गया. तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने बोला अरे वही है क्या दीवाना हो गया ये दिल पहली बार, मेरे गाना आगे बता रहे मुझे. तो मैं इतना लकी हूँ कि उनको मेरा गाना याद था, बट जब वो मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं उनको नहीं मिल पाया. तो वो एक बात, पर कोई बात नहीं, सबकी हर चीज़ में हम प्लस पॉइंट्स देखते हैं. द म्यूज़िक स्टेज, द लेगेसी स्टेज, द कैरेक्टर स्टेज. इनके सारे उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोग मेरे आज बहुत नज़दीकी दोस्त हैं. राजू सिंह उनमें से सबसे ऊपर है और वो मुझे उनके बारे में बातें बताते रहते हैं. सो आई एम कनेक्टेड टू हिम नेवरदलेस. मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप खुद एक सिंगर हैं, आपके ढेरों सारे गाने हिट हुए हैं, जैसा कि हमने एवी में भी देखा पंचमदा इस तरह के सिंगर थे कि जो एक्टर जिस तरह का होता था उसकी टोन में वो गाने कंपोज करते थे, जैसा कि राजेश खन्ना जी की बात करें हमें दिखाया गया. क्या प्रेजेंट टाइम में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, और अगर होंगी तो क्या वो हिट नहीं होगी? माना कि समय की डिमांड है, तो आप अगर बता सकते. नहीं, पहले की खास बात ये थी जो मैं और भी शांतनु मोहत्रे भी बात कर रहे थे कि उस समय सिटिंग्स में एक्टर्स या बाकी लोग जाते थे उंगली करने के लिए नहीं, समझे, एडवाइस देने के लिए नहीं, संगीत सिखाने के लिए नहीं जाते थे.
संगीत सीखने के लिए, उस माहौल का मज़ा लेने के लिए अपने इनपुट्स ले लेते थे. अभी हर किसी को म्यूज़िक में से है, म्यूज़िक आता हो या नहीं आता हो, आई थिंक दैट्स गुड यू नो, बट आई थिंक यू नो दिस इज़ नॉट फाइन एंड इट्स लिटिल लो, दैट इज़. अभी ऐसा मामला है, इसलिए आप कभी भी उस ज़माने में अगर आर डी बर्मन के आप जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर उनके बराबरी के लोग उनके बराबरी की बातें करेंगे, उनके जो लोग अज्ञानी हैं वो बैठकर ज्ञान नहीं देंगे वहाँ पे. इसलिए ये फ़र्क है बहुत बड़ी. अरे नहीं, मैं तो बहुत दिखता हूँ, जिनको दिखना चाहिए उनको दिखता हूँ मैं. इंडियन आइडल में बहुत मिस करेंगे हम. हाँ, मैं इतना मिस करता हूँ पिछली बार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं होता. एनीवे, आज हम बात कुछ और करते हैं. हाँ जी, अगर आप मेरी कुछ नहीं, मैं शॉर्ट फिल्म नहीं किया, शॉर्ट फिल्म पर अगर घर की बात अपन. यस यस सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ बताई आपने आज पंचम के बारे में. आई वुड से कि इंसाइटफुल चीज़ मुझसे ज़्यादा तो भाई ब्रह्मानंद जी ने बताई है कि उन्होंने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना भी दी और वेब सीरीज़ भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें पता चलेगा पंचम दा द जीनियस, द लेजेंड, द म्यूजिशियन, द मिस्ट्री. इन इस मिस्ट्री के पीछे कौन थे, क्या क्या ट्रिविया था, क्या क्या ऐसे वाक्या हुए. वी आर ऑल डाइंग टू नो दैट, आर वी? आई मीन इमेजिन, आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ लेजेंड लाइक दैट एवर फ्रॉम दिस कंट्री, जिन्होंने अपने म्यूजिक को इतना ग्लोबल बनाया. मतलब आईफोन 8 का जो एड है उसमें उनका म्यूजिक है. यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ हिज म्यूजिक जो आज तक मतलब लोगों को दीवाना बनाए हुए हैं. इट्स हिज म्यूजिक इज ट्रूली एवरलास्टिंग. और ये जब भी मैं अपने शोज भी करती हूँ तो जब पंचम दा का सेट करती हूँ तब सबसे ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स और मैड रिस्पॉन्स मिलता है. लोग बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है. Oh, too many favorite songs. There are over 5,000 songs to choose from. All of them, each. हर एक गाने का ना एक अपना अपनी कहानी है, एक अपना मूड है, हर एक गाने का अपना एक कैरेक्टर है. सो एवरी सॉन्ग इज़ अ फेवरेट, आई हैव टू से. हर एक गाने में और स्टीरियोटाइपिकल भी नहीं है कि भाई हाँ मोनोटोनस है. यू नो दैट एवरी सॉन्ग टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट फील. किस म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर का ऐसा और वर्जन देखना चाहेंगे आप अपार्ट फ्रॉम वेल आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बहुत, आई मीन दे आर अमेजिंग, बट कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ मुझे एक बहुत अलग छाप दिखी है वो ए आर रहमान साहब ने दिखी है. उन्होंने बहुत म्यूज़िक को हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक को ग्लोबल किया है. सो विद हिज मेलेडीज़ विच आर वेरी ट्रू सोलफुल मेलेडीज़, इट्स ऑल अबाउट द मेलेडी एक्चुअली. सो आई थिंक जो सोलफुल मेलेडी उन्होंने इस जो हासिल की है अब तक, I think it's fantastic. It's not about having the hits all the time. It's about वो गाना कितने कब तक चलेगा, everlasting होगा फिर. It has to have a shelf life. It's legacy. That's the right word. So thank you so very much. Most welcome. Thank you. Only hold for 10 seconds. Yeah. Okay. Excuse me.